हेलो गाइस, तो आज आपका फिर से स्वागत है 2S ब्रदर्स व्लॉग पेज पे। और आज का जो हमारा व्लॉग होने वाला है वो गांव का देसी पकवान पानी पे। और पहले हमने बनाए थे गांव के देसी पकवान ढेकले, और उससे पहले बनाए थे हमने गांव की बाटिया। तो चलो, सबको पसंद आ रहा है तो हमने सोचा एक और ऐसी रेसिपी है जो मतलब सदियों से चलती आ रही है। और पता नहीं, पर हमारे जब बाप दादा उससे चलती आ रही है, जो जिनको हम पानिया बोलते हैं, तो उसी की रेसिपी बताने वाले हैं। बातें ही करोगे या फिर साने वाने लगाए? हाँ, लगाएंगे ना। हाँ तो चलो गाइस, साने वाने लगाते हैं और हमारी रेसिपी चालू करते हैं। आप ब्लॉग के साथ बने रहो और बस चलो। ओ, मैं तो सपने में खो गया था। चलो जैसे आप सभी जानते हो कि बाटिया बनाते अपन ये छाने बोलते हैं, छाने गाय के गोबर पहले उसको सुखा के बनाते हैं, या फिर आप ढूंढ के भी ला सकते हो वो वाले, तो उनमें बाटिया बनती है। वैसे ही होता है, इनकी भी रेसिपी वैसी होती है, पर इनको क्या होता है कि वो अपने बाटिया जो होती है वो गेहूं के आटे की बनती है, और ये पानी जो होते हैं वो मक्का मतलब ज्वार बोलते हैं। सब जगह अलग अलग बोलते हैं यार, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आ जाए, तो समझ लेना थोड़ा। मक्का बोलते हैं, मक्का और ज्वार, तो कई कई मक्का बोलते हैं और अपने इधर तो ज्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं सुनील भाई? ज्वार। तो ये बोलते हैं। हमने ये छाने लगा दिए हैं, ये देखो ये ताप रहे हैं, ये देखो ये कैसे लोग हैं, अभी बारिश के मौसम में ताप रहे हैं यहाँ पे, ये देखो ये। अरे ताप नहीं रहे हैं गाइस, हम यहाँ लगा लिए, ये छाने लगा दिए हैं, और अब सोच रहे हैं कि आटा वाटा लाए, और उसमें आटा वाटे में क्या करना पड़ता है वो तो यार सही बात बताओ। ये प्रक्रिया तो बहुत से लोग जान रहे होंगे, हमको जितने भी लोग देख रहे हैं वो जान रहे होंगे, पर अभी ये चीज बनती नहीं होगी, बहुत कम हो गई होगी, कि गांव में पानी बहुत कम हो गए होंगे, बनते होंगे। बाकी अगर आप ब्लॉग देख रहे हो तो आज शाम को आप पक्का बनाना। पक्का बनाना। अगर कुछ यादें हो बचपन की, तो बचपन में हम तो खाते थे। और अब हम आगे का प्रोसेस है जो बताते हैं, कैसे बनाते हैं, किस टाइप से बनाते हैं, आटा वाटा लगाते हैं और उसमें मसाला डालते हैं। चलो, हम ये आटा ले आए हैं लगाने के लिए, और हमने इसमें डाला है ये नमक और जीरा, मसाला और मिर्ची। आज क्या हुआ, आज संडे पड़ गया इसलिए हम बाज़ार जा नहीं पाए, अगर हरी मिर्ची होती तो उससे एक्स्ट्रा स्वाद आता, और हरा धनिया होता उससे ज़्यादा, इसमें भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं, अगर नहीं हो तो कोई नहीं, अपने ये भी डाल सकते हैं। तो अब हम फटाफट आटा लगा देते हैं और आगे की प्रक्रिया है जो बताते हैं। तो चलिए माइकल मैक्सन। अब हम जा रहे हैं पत्तियां लेने, जो कि मतलब ये पानिया बनाते हैं उनके लिए पत्तियां चाहिए, और आटा पूरा लगा के फिर उन पत्तियों में आटे को रोटी के जैसे ऐसे छोटा सा गोल गोल राउंड बना के फिर इन छाने जो लगे हुए हैं उन पे रख देना है, तो ऐसे आगे की प्रक्रिया होती रहेगी। तो हम राहुल ने दोनों जा रहे हैं पत्तियां लेने, और बाकी ये दोनों तो इनका आटा लगा रहे हैं। हम जाके आते हैं। चलो राहुल भाई आ जाओ, हम पत्तियां लेके आते हैं, खाकरे वाली पत्तियां। खाकरे को क्या बोलते हैं सुनील भाई? खागरे को खागरा ही बोलते हैं, सागवान तो हागड़े को बोलते हैं। हम आ गए हैं पत्तियां लेने, तो ये देखो ये पत्तियां, ये पेड़ है पत्तियों का, मतलब इस पेड़ की पत्तियां है, पेड़ पत्तियों का नहीं, इस पेड़ की पत्तियां। तो मैं चढ़ता हूँ फट से ऊपर और पत्तियां लेता हूँ और जाता हूँ वापिस वहां पे, वो क्या कहते हैं छाने वो जल गए होंगे तो फिर बाद में यार पकेंगे नहीं एकदम, तो मैं चढ़ता हूँ भैया। हमने बहुत सी पत्तियां तोड़ ली, चलो अब चलते हैं फटाफट। राहुल भाई चलो, कम ऑन फास्ट।
तो ये हमने पान्या तैयार कर दिया ये इस टाइप से, और फिर इसको पाने के ऊपर रख के, एक पाना और ऊपर रख के, फिर ये अपनी पतली लकड़ी आती है जो अपने घास मिल जाती है वो, तो पतली लकड़ी, फिर इसको ऐसे करके जैसे अपने कपड़ा सिलते हैं उस टाइप से इसे पैक कर देता है। तो हम फटाफट पैक कर देते हैं और पैक करके फिर इनको पकाते हैं, तो आगे की प्रक्रिया और आगे बताते हैं। चलो चलो पैक करो, फटाफट पैक करो लो। कुछ इस तरीके से देखो, ये आप देखो, ये इसे बोलते हैं पान्ये। वैसे माइकल मैक्सन भाई, हाँ, इन पान्यों को पान्ये क्यों बोलते हैं? ये पाने पाने होते हैं इसलिए, ये ज्वार का आटा होता है इसलिए नहीं, ज्वार का आटे के ऊपर ये पान्ये ऐसे चिपका। हाँ समझ गया समझ गया। खाए कभी? खाए तूने? नहीं खाए, आज पहली बार खाऊंगा। ये पहली बार खा रहा है? देखो सुनील भाई तूने, कैमरामैन भाई आपने जोर से क्या यूं यूं किया? खाए हैं? हाँ मैंने भी खाए हैं। तो ऐसे आप फटाफट बनाओ यार, क्या कर रहे हो? ऐसे बना देते हैं। हमारे वो पान्ये धीरे धीरे धीमी धीमी आग में पक रहे हैं और हम खाने के लिए बहुत उत्सुक हो गए हैं। हमारे वो माइकल मैक्सन देखो पूरे पान्ये के अंदर घुसने वाले हैं, और हमारी कड़ी भी तैयार हो चुकी है, वो उधर का तैयार हुई है, वो पहले से तैयार कर दी हमारी कड़ी, और खट्टी चास की बनती है वो, और उसमें भी हम मक्के का आटा डालेंगे थोड़ा सा, और मिर्ची धनिया पाउडर वो उधर वो तैयारी करने जा रहे हैं। जाओ कड़ी लेके आ जाओ, अभी नहीं अभी एक बार ये पान्ये मस्त मस्त पकने दो। अच्छा जावा देख क्या, और यहाँ पे हमारे पान्ये तैयार हो रहे हैं धीमी धीमी आग में। ये कड़ी हमने पहले से ही बना ली, और वो उधर बनाई है और ये पान्ये इधर, क्योंकि ये अपने साने लगाते हैं थोड़ा धुआं वगैरह आता है, तो हमने सोचा क्यों ना खुली जगह में बनाए ताकि इतना वो नहीं हो। ये देखो ये देखो ये कितने सुंदर दिख रहे हैं पान्ये, आज तो इनको बहुत दबा के खाएंगे हम, दब्बा के खाएंगे और पेट सारा भर के खाएंगे। तो चलो आगे की प्रक्रिया और करते हैं, और पकने तक वेट करते हैं फिर खाते हैं। राहुल भाई, हाँ, अगर ये पान्ये बन के तैयार हो जाएंगे तो आप क्या करोगे? मैं तो टूट पड़ूंगा इसको। कैसे टूटोगे? तो क्या, कैसे टूटोगे? खाने के लिए। अच्छा खाने के लिए टूटोगे? हाँ, 10 साल पहले खाए थे इसलिए। अच्छा माइकल मैक्सन भाई, आप अगर ये पान्ये पक के तैयार हो गए तो आप क्या करोगे? मैं तो पहली बार खा रहा हूँ, मैं पूरे खा जाऊंगा, एक भी नहीं रहने देना है तुम्हारे लिए। अच्छा तो फिर ये तो 9 पान्ये हैं, तो हम 4 जने हैं, तो फिर अरे यार मैं 9 पूरे खा जाऊंगा। कोई 9 पूरे खा जाओगे? इतना बड़ा पेट है या कुआ है? नहीं कुआ है या कोटी है? कोटी है, कोटी अपने घर पे वो गेहूं नहीं रखते वो वाली कोटी है मेरे। नहीं हमारे घर में तो ज्वार रखते हैं। हमारे गेहूं रखते हैं वो वाली नहीं है। अच्छा कोई नहीं कोई नहीं, गेहूं भी रखते हैं कभी। नहीं नहीं हमारे घर पे पोहरा है, पोहरा। हाँ। भाई की कौन सी कोटी है? पन्ने रखने वाली? ना गौ रखने वाली। चलो जल्दी करो चलो। फाइनली हमारे पान्ये बन चुके हैं गाइज, और मैं आपको दिखा देता हूँ, और उसके बाद हम उनका टेस्ट भी कर लेंगे, खा भी लेंगे एक बार, जितने भी हम वो हमारी चित्रांशी भी हमारी टीम में जुड़ चुकी है, चित्रांशी आरी जो मेरी भतीजी है। तो सुनील अक्षय और राहुल और चित्रांशी और मैं, हम सब टेस्ट भी कर लेंगे। ये देखो ये आप देख लो, वो कड़ी दिख रही होगी आपको, वो कड़ी हमने बना दी है, पहले ही बना दी थी। कड़ी का भी रेसिपी बताते हैं हम, पर कड़ी अब हमारे हिसाब से जैसी थी वैसे ही बनाई हमने। हाँ जरूर, मीठी मीठा नीम होता है, नीम बोलते हैं ना, उसकी पत्तियाँ डाली है कड़ी में, तो उसका स्वाद अलग आएगा और भयंकर स्वाद आएगा। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ और फिर हम स्वाद ले लेते हैं फटाफट, कैसा लगता है क्या टेस्ट कर लेते हैं, फिर आपको लास्ट में बताएंगे क्या था स्वाद। और जिन्होंने खाए हैं वो तो जानते हैं भाई इनका स्वाद, बताने की जरूरत नहीं। और एक बार इनको दिखा लो, फिर टेस्ट करने का होंगे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो फटाफट आप दिखा दो, हम दिखा दो दिखा दो।
बताना गाइस कि आप में से किन किन ने ये पानी खाए हैं, तो वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो जरूर जरूर बताना, कमेंट जरूर करके जाना। बाकी सुनील भाई, इसका स्वाद ऐसा लग रहा है कि क्या पता, फाइव स्टार होटल में मैं खाना खा रहा हूँ ऐसा लग रहा है मेरे को। फाइव स्टार में जो स्वाद होता है क्या, उससे कई ज्यादा स्वाद अपने गांव में जो पकवान बनते हैं उनमें होता है, इसलिए यहाँ पे तो माइनस में। मैं अभी माइनस खाने के टेस्ट में थोड़ा फिसल गया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। फिसल गया हूँ। बाकी राहुल भाई आप बोलो। अक्षय भाई कैसा लग रहा है? राहुल भाई लग रहा है सबसे बढ़िया है। क्या बढ़िया है? खाना। कौन सा खाना? पान्य। मैं तो बिल्कुल खा के डोट हो चुका हूँ। अक्षय भाई, मैं भी खा के बिल्कुल डोट हो चुका हूँ। और राहुल, मैं भी खा के डोट हो चुका हूँ। और जनील भाई, और मैं तो खा के इतना डोट हो चुका हूँ, मैं खुद डोट बन गया हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट पानी बने थे। अगर आपको भी खाने हैं तो आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो उसको पूछ लेना, नहीं तो ये वीडियो देख लेना, वीडियो हमने बताया है वैसे वैसे आप बना लेना। और हमने भी बहुत पहले खाए थे, बचपन में खाए थे, जो हमारे घर में बड़े वो बनाते थे तब हमने खाए। और अगर आप में से किसी ने खाए हैं तो कमेंट करके बताओ। हाँ, आपने अगर खाए, कब खाए, अभी खाए या पहले खाए, कब खाए, वो भी कमेंट करके बताओ। अब आगे सचिन भाई बोलेंगे। तो गाइस, अब अपना व्लॉग एंड करने का टाइम हो गया क्योंकि हमने खा लिया। अब थोड़ा वॉक करेंगे तो हमारा थोड़ा क्या होगा, पच जाएगा, ज़्यादा खा लिया है। और क्या कहना था कि आप में से किसी ने खाया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसका स्वाद जो जानते हैं वो भी कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।